दोस्तों यही अंडा मछली खाने आएगा तो फंस जाएगा। चारों थाली में हम अंडे के बोर्ड लगा दिए हैं। दोस्तों लगता है जो बामी मछली फंस गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं नदी में मछली पकड़ने के लिए और नदी में मछली पकड़ेंगे, आज नए तरीके से मछली पकड़ेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं मछली पकड़ने के लिए धोती के हम टुकड़ा फाड़ लिए हैं, उसके बाद ये ट्यूब के रॉबर्ट ले लिए हैं, उसके बाद एक बोट लगाने के लिए हम दो अंडे ले लिए हैं। तो चलिए चार गो थाली एक बार में लगाएंगे और एक ही बार हम चारों थाली में मछली फंसेगा। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए ये धोती के टुकड़ा है, इसको हम पहले बिछा देते हैं, उसके बाद हम ट्यूब के रॉबर्ट लगाएंगे। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। चारों थाली में हम धोती बिछा दिए हैं। तो चलिए उसके बाद हम ये ट्यूब जो है उसको हम थाली में लगा देते हैं। ये धोती के मुंह काट दिए हैं, इसी में हम अंडा के बोर्ड लगाएंगे। यही अंडा खाने मछली आएगा तो फंस जाएगा। ये हम अपने गांव देहात के नए तरीके से मछली पकड़ते हैं। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है वो कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चारों छिपा में हम धोती के टुकड़ा बांध दिए हैं और ट्यूब के रबट लगा लिए हैं, उसके बाद ये अंडा है वो मछली फंसने के लिए। चलिए हम बोर्ड लगा लेते हैं। दोस्तों एगो अंडा फोड़ करके इसमें डाल दिए हैं, तो चलिए एगो अंडा और फोड़ देते हैं, इसमें डाल देते हैं। एक अंडा फूट गया है, एक अंडा बच गया है, तो चलिए हम गमले से फोड़ लेते हैं। तो चलिए इसमें हम धर लेते हैं। दोस्तों यही अंडा मछली खाने आएगा तो फंस जाएगा। चारों थाली में हम अंडे के बोर्ड लगा दिए हैं, चारों थाली में हम अंडे के बोर्ड लगा दिए हैं। दोस्तों तो चारों छिपा में अंडा फोड़ करके हम बोर्ड लगा लिए हैं। तो चलिए चारों थाली के हमें गमला में सैंत देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पानी में चारों थाली लगाने। दोस्तों पानी के नजदीक आए हैं, तो चलिए चारों छिपा हम एक ही बार में पानी में लगाते हैं। दोस्तों मछली फंसने के लिए चार गो छिपा लगा दिए हैं, तो चलिए कल होकर के आएंगे, देखेंगे कौन सा मछली फंसा है, वही मछली को रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए घर चलते हैं। दोस्तों कल जो हम छिपा लगा करके गए हैं तो आज आए हैं, देखते हैं कौन सा मछली फंसा है, वही मछली को रेसिपी बनेगा। तो चलिए देखते हैं।
पूरा हटा करके खोलने के बाद पता चलेगा जो कौन सा मछली फंसा है, वही मछली को रेसिपी बनेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम ट्यूब हटाते हैं। दोस्तों लगता है जो बामी मछली फंस गया है। दोस्तों चारों छिपा में हम बामी मछली पकड़ लिए हैं। तो चलिए यही मछली को रेसिपी बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। दोस्तों नदी से मछली पकड़ करके ले आए हैं। तो चलिए हम बोरा पर उझिलते हैं। दोस्तों तो चलिए बामी मछली के हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये चिकन मछली है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लेते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बन गई है। मछली के छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लिए हैं। तो चलिए पानी से हम बढ़िया से साफ करके धो लेते हैं। दोस्तों तो चलिए हम पानी से मछली के बढ़िया से धो देते हैं। मछली धो लिए हैं तो चलिए हम छिपा में रखते हैं। दोस्तों पानी से धो लिए हैं तो चलिए पानी से और धो लेते हैं। तो मछली के दो पानी से धो लिए हैं। मछली तो चमक रहा है, फिर भी एक पानी से और धो लेते हैं। फिर से इसको धो लेते हैं, बढ़िया से साफ कर लेते हैं। एकदम पानी साफ हो गया है, मछली साफ हो गया है। दोस्तों बामी मछली के लिए हम मसाला सब ले लिए हैं। ये लहसुन है, ये पत्थर पर तैयारी करेंगे लहसुन पेस्ट, और ये पीला सरसों है ये पत्थर पर तैयारी करेंगे, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्चाई पाउडर है, ये धनिया गुंडी पाउडर है। चलिए हम लहसुन पेस्ट के पत्थर पर तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट तैयारी हो गया है, तो चलिए इसको उठा लेते हैं। चलिए अब पीला सरसों पेस्ट हम तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों सभी मसाला के बारी बारी से हम पीस लिए हैं। चलिए हम उठा लेते हैं। दोस्तों बामी मछली के लिए मसाला पीस करके हम तैयारी कर लिए हैं। तो चलिए हम चूल्हा जोड़ लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं तो चलिए हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। दोस्तों जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक हम लहसुन पेस्ट हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हम लहसुन पेस्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। तो चलिए हम सभी डाल दिए हैं तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं तो कढ़ाई गर्म हो गया है। तो चलिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो रहा है तब तक इधर हम मछली के दाग लेते हैं। दागने से क्या होता है, नजर गुजर जितना आदमी देखने रहता है सभी कट जाता है। हम गांव देहात में मछली दाग करके ही बनाते हैं, बिना दगले नहीं बनाते हैं, क्योंकि नजर गुजर लग रहता है, दागने से कट जाता है। मछली फ्राई के लिए हम मछली डालते हैं। दोस्तों
इतनी खराब हो गया है कटल से, ये भी मैं लेके देते हैं दोस्तों। ये दानी मछली वाला फ्राई वाला वीडियो देखने में कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कटल ये मछली खराब हो गया है तो कटल हम निकाल लेते हैं। दोस्तों सभी मछली जो बड़ी बड़ी जो हम फ्राई कर लिए हैं चलिए भी निकाल लेते हैं दोस्तों। मछली फ्राई कर लिए हैं तो चलिए हम पीला सॉस डाल देते हैं। फोरन फूट गया है तो चलिए इसमें हम मसाला डाल देते हैं। मसाला डाल दिए इसको बढ़िया से चला देते हैं। फिर इसका भी मसाला मिला जाएगा। दोस्तों मसाला बढ़िया से भुजा गया है, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। नमक डाल दिए हैं इसको थोड़ा चला देते हैं। मसाला बढ़िया से और नमक भुजा गया है तो चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं रस के लिए। पानी डाल दिए हैं इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से पक गया है तो चलिए इसमें हम मछली फ्राई डाल देते हैं। मछली फ्राई डाल दिए हैं इसको चला देते हैं। सभी में मसाला रस बराबर हो जाएगा। दोस्तों मछली बन करके तैयारी हो गया है तो चलिए हम नीचे उतार करके रखते हैं। दोस्तों मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं तो मछली खाने के लिए थोड़ा चावल ले लिए हैं तो चलिए मछली खा करके देखते हैं मछली का स्वाद कैसा बना है। दोस्तों मछली चावल परोस लिए हैं तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। दोस्तों मछली चावल खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है तो और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।